बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल मेरे बहन भाइयों? अलहमदुलिल्लाह ठीक है। मैं तुस ठीक हो सो अज की वीडियो तुमने शेयर करनी जी। मेरे बार तुम वेख सो मैं कर रहा जी गोडी, क्योंकि मेरे बार ये है जी मर्चा का बूटा, ये जी फुलों की बूटी, मैं ये अग्गा है जी टमाटर का बूटा, क्योंकि मर्चा के बूटे और फुल। तो मेरी बार इन अच्छी करके अच्छी तरह करके गोडी कर देना, तो फिर ला देना खाद। तो नाल मेरी बार जी खाद तीन में थोड़ी थोड़ी साट देना। तो मेरी बार मैं खाद साट दी, ला देने जी थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि थूम में भी खाद ला देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों? अलहमदुलिल्लाह से ठीक है। उम्मीद है कि तुम ठीक हो सो। मैं आज कर रही हाँ लसन नू गोडी, क्योंकि एक गोडी पहले की दूसरी कर देने हूँ, क्योंकि गोडी नाल ही अच्छी रीत गड्डी बनती है। गोडी तो बाद ला दिसा है खाद। साइड जड़ना इडली मुकम्मल कर ले, तो हूँ रह गई इडली साइड, वही कर लेने। मेरी बार हूँ मैं ला के आ चुका जी लकड़ी। तो मेरी बार जड़ना मैं बन के ला रहा। तो भाई सलेम भी आ चुका। तो भाई सलेम तुसी अपने प्यारे वीवरां नू सलाम दियो। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी बार जड़ना भाई सलेम सलाम दिता। तो हुण जड़ना तुसी जलाओ अग। तो मेरी बार जड़ना अज असीं की चीज़ बनावन वाले हां जी दोने भाई, ओही आदे प्यारे वीवरां नू शेयर करने। तो भाई सलेम जला रहा है अग, क्योंकि मेरे बार कल साढ़े को जो सूरज ना ही निकलिया, क्योंकि कल धुंध भी धुंध आई, क्योंकि इस वजह तू। तो आज जो थोड़ी बहुत ही धुप निकली हुई। हेठ रख दिया। मेरी बार हूँ मैं ला के आ चुका जी अंडे, क्योंकि इन्हों मैं जड़ना पहले सब फ्राई पैन अच्छी तरह लेना जी दो, तो फिर लेना अद्धा पानी कर लेना, क्योंकि भाई सलीम जड़ना जलाई बैठा है अग। तो मेरी बार मैं पानी का अद्धा जड़ना कर लिया। तो हूँ मैं दो दो के जड़ना बिच रख लेना, क्योंकि ये रखने पौंदे जी आराम आराम नाल, क्योंकि ये जावें रोटी ना जावें। मेरे पास जो मैं दो लैन जी अंडे तो हूँ मैं ला चलना चूल्हे से क्योंकि भाई सलीम और ला ली है जी अग तो मेरी बार जो इन रख देने जी एवें तो मेरे बाद जो भाई सलीम जला लीए हेठू भड़का रहा जी अग तो हूँ मैं चाय अपना अंदरू एदा छाबा तभी चाय अपना क्योंकि मेरे बार इस तरह जो काफ़ी धो बन गया। मेरी बार जो हूँ ला उतू कर देने जी छाबा बंद क्योंकि भाप नाल जो अच्छी तरह बुआइल हो जाए। हेठू आग जो जलाई रखे मौजी ना जावे मेरी बार मैं हेठू जला रहा अग क्योंकि अग जो काफ़ी भड़क चुकी थे और जो थोड़ी थोड़ी जो ठंड भी बन रही तो मैं सेक रहा अग तो अग तो स्याले चंगी होंदी है। तो मेरे बार हूँ जो चेक कर लें क्योंकि बुआइल आ रहे हैं या नहीं। मेरे बार तुम चेक करो क्योंकि अंडे हो रहे हैं जी बुआइल काफ़ी उबाले आ रहे हैं। तो मेरी बार हूँ जो उत्तू जन्ने काज क्योंकि बाफ नाल जो काफ़ी अच्छे बनते हैं तो हूँ सेक लेने हैं अग क्योंकि अंडे ही बॉयल हो जाते हैं तो फिर जो नाल नाल अग भी सेक ही रखने हैं। मैं जरा ना पहुँच आई हाँ तो सलीम तो बग्गी जरा ना अज कर रहे हैं अंडे उबायल तो अंडिया चुक डेले हाँ जी बॉयल हो चुके हमने उबायल हो गए हाँ जी ते मैं जरा कर लेनी चेक क्योंकि फट गए सही है ना छिलके सिर्फ उत्तू फटे ने हाँ जी ते मैं जरा ना इन्हों काट के दे देनी हाँ क्योंकि सलीम ते बग्गी हैं छिलेंदे ते मैं बना लेनी चाह क्योंकि चाह ही बड़ी चंगी होंदी है सर्दी की वजह तू ते गरम गरम अंडे आओ ट्रे चाह तू आ पर छोटा काट देवा ओ चाह पावा केड़ी पवा चाह पवे ना कटने तो मेरी बार जो अम्मी रही है अंडे काट क्योंकि जो उतू रहे जी छिलके गए फट क्योंकि अंडे हो चुके हैं जी बॉयल तो हूँ छिलेंदे तो फिर अम्मी बनी जी चाह क्योंकि काफ़ी जो सर्दी वगैरह है ना भाई अम्मी और आख रहे हैं जी सर्दी ना लग जाए तो फिर असी अंडे ले आते हैं तो अम्मी और बॉयल कर रहे हैं जी अंडे दो जो निकल चुके हैं तो दूसरे दो ही काट देने। गरम है और गरम ही है ना हाँ जी हम पानी ला लो तुम छिलो तो मैं चाह रख लें तो मेरे बाद जो ना हूँ हाँ जी असी छिलेंदे तो अग भी जो काफ़ी जल रही। मैं जरा चाह के आगे चीनी पत्ती तो मैं रख देनी हाँ इतने क्योंकि दूध पिया है अंदर ते ओ मैं लियानी हाँ क्योंकि बग्गी तो सलीम छे लेंदे अंडे। मेरे बार जरा अंडे दो छिलाई हो चुके हैं ते दूसरे भी छिल लेने हैं भाई सलीम जरा छिली बैठा तो मैं जरा हजे ताई हूँ हाथ लाया तो अम्मी होरी चाण गया जी दुध तो अग भी जरा हजे ताई जल रही है और जरा अग के नाल नाल बैठे हैं क्योंकि ठंड वगैरह इतना लग जाए तो और अंडे छिल रहे हैं। दूध जरा मैं ला के आ चुकी हाँ तो हूँ मैं लानी है थोड़ा जिहा पानी क्योंकि कावा तैयार करना। देगड़ी जड़ी चाली मैं रख दी उत्ते ते हुण कर देनी लकड़ी अगां क्योंकि अग थोड़ी जी ना मट्ठी हो गई। अंडे जड़े ना मैं काट के दे दिते हैं सलीम ते वसीम नू ते मैं जड़ा ना हुण बना लेनी है नाल चाय ते थोड़ा थोड़ा नमक साट लो क्योंकि हेक के सटे होया थोड़ा जी। चल बस कर ते मेरी बार जड़ना अम्मी अंडे सानू काट के दे देते हैं ते अम्मी जड़ना चाह भी तैयार चाह जड़ी ना तैयार हो चुकी है ते हुण मैं पा देनी है कप्पां दे विच। बिस्मिल्लाह ते मेरी बार जड़ना सूरज भी हौल हौल गर्म होंदा जांदा है ते जड़ना ठंड भी आंदी पई है काफ़ी ज़्यादा। नाल नाल सिकने जी अग तो अम्मी जड़ना पा लेंदी चाह तो फिर जड़ना खांदे भी हैं तो आपके प्यारे वीवरां नूं नाल नाल शेयर करने हैं। चाह जड़ी ना मैं पा लई है तो हुण मैं देनी हाँ सलीम होरां नूं। लो पढ़ो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल। मेरी बार चाह भी आ चुके जी आओ जी साथ बिस्मिल्लाह तुस भी खाओ मैं तरे हाँ जी खा तो भाई सलीम पढ़ो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो मेरी बार जड़ना अस लीए चाह पी तो और बर्तन वगैरह वह भी कोंज लैन तो और दुध दो दमे किधर रखे हर चीज़ जड़ना कोंज के मैं रख दी है अंदर किचन दे विच ते बर्तन में रख दिते नलके दे उत्ते क्योंकि बर्तन जड़ना इन्होंने मैं धो लैनी हाँ क्योंकि पीढ़ी जड़ना वही मैं चा लैनी हाँ तो इनू लावना पानी क्योंकि तो सट्टी ना खाद। हाँ जी पानी नहीं लाया तो पानी मेरी बार हजे ताईं नहीं लाया क्योंकि खाद मैं साड़ दी है तो मेरी बार जड़ना साड़ी अग वो भी गई है मोज क्योंकि अक्सर साड़ी जड़ी आग जल्दी रहती तो अग गई है मोज शाम नू अंदर जलावनी है ना किचन है। हाँ जी तो मेरी बार जड़ना और गड़वंजी भी बाहर रख देती है क्योंकि काफ़ी खूबसूरत लग रही है और गड़े वगैरह ही छोटे किचन के अगू जोड़ के रख देते हैं जड़ियाँ बाल्टियाँ हैं वह भी मैं ला के किचन तू हेठ रख दी जोड़ के इन्होंने मैं थोड़ा थोड़ा दे देना पानी तो अम्मी वाच कर रहे हैं जी बर्तन चुल्हा वगैरह जड़ना हजे ताई हो रहा जी खुश्क हुण कैसे कि अगू दीवार लग रही है जड़े दीवार दा आप पोचा लगाया है। हाँ जी पहली दीवार। हाँ जी बड़ी वीआईपी लग रही है काफी क्योंकि खुश्क होया ना तो सोहनी लग रही। हाँ जी मेरे वार जड़ना छोटा कमरा जड़ना काफ़ी VIP लग रहा है। मेरे वार छोटा तो एडा नहीं क्योंकि उंज थोड़ी काद से छोटा है तो बाकी जड़ना काफ़ी बड़ा कोठा है अंदरों तो काफ़ी बड़ा लगता है। तो जाते जड़ना अम्मी वाच कर लेंदी बर्तन तो अम्मी जड़ना आप दूसरा करना है गांठ फौड़ा मारना है और भा भी पावनी है। पहले बर्तन धो लवना फिर हाँ जी तो फिर जड़ना अस चलने जी गांव ले क्योंकि गांव जड़ना चार वगैरह तो पा दिता है और वेने पई और भा भी कतने और फौड़ा भी मरेने क्योंकि अम्मी दादी और दे अगदू खलीए और साढ़े पिछू खलीए क्योंकि आध विचाले खलीए क्योंकि अपने को जगह थोड़ी है ना। हाँ जी काफ़ी काली हो रही है क्योंकि चौकर नाल हिली हुई है। चौकर जड़ना पेने चारे दे उत्ते चारा जड़ना सही खाने तो गां भी पाओ ना गां बड़ी काली हुई खाली। तो मेरे बार हूँ मैं लाके आ चुका जी चौकर क्योंकि उन्होंने मैं अच्छी तरह सारे ते थोड़ा थोड़ा करके छाट देना वचड़ू ने भी पा ना। हाँ जी उन्होंने मैं पा दिता पहले तो हूँ मैं जड़ना चौकर लिया पा तो हूँ चलना वापसी घर। तो जड़ना छापर वगैरह लगा पाया क्योंकि अबू का अद्धे दिन लगे पे जी टमाटर पहली बाल दे टमाटर वड्डे वड्डे हो खाने ना। हाँ जी काफ़ी वड्डे वड्डे पौधे हुए पैन तो दंदाले घर लाई चलो। हाँ जी तो टाट वगैरह वो भी तो सिंचाई होया। बग्गी हूँ पहुँच आया गांव दे इत्थों फोड़ा मारे क्योंकि पहली साइड ले लगे उन पौधे क्योंकि टमाटर दे बग्गी दे अबू दादे ने लाए उन काफ़ी वड्डे वड्डे हो चुके हैं तो बग्गी मार रहा फोड़ा ते परू तो मैं मार रहा जी फोड़ा फोड़ा जड़ना अच्छी तरह मार लेने तो फिर पा लेने जी थापियां जड़ना काफ़ी सुक रही हैं क्योंकि थापियां लकड़ी के उत्ते अच्छियां सुकदियां ते गां नूं पानी पिवाया ने। हाँ जी तो गो जड़े ना थापियां अम्मी दादी थपेंदी है चारा तो काफ़ी लई खली है। हाँ जी चारा काफ़ी लई खली है। हाँ जी मुकदा ही नहीं होने क्योंकि इधरली साइड ले मैं कैमरा नहीं कर सकती दो बैठन साढ़े हमसा तो मेरी बार जड़ना मैं फोड़ा लिया मार माइयां बैठियां। हाँ फोड़ा मैं मार लिया तो हूँ मैं जड़ना हाथ वगैरह मार देना तो चौकर पावना आई ना। हाँ जी वो पा देने वचड़ू की आंदा तैनू वो आंदा बे चौकर मैनू ही गते तुसी लाया चौकर। हाँ जी चौकर लाया ना चौकर मैं जड़ना लाया ना तो दादा वाली जड़ना मैं इत्थे रखी जाना तो फिर जड़ना आके चा लेने मैं चौकर लवें जाता पे अजे ताई बग्गी जा रहा चौकर लवें क्योंकि नाल ही साडा कच्चे कमरे दा दरवाजा टप गया बग्गी अंदर। तो मेरी बार जड़ना अस पहुँच चुके हैं घर तो मेरी बार जड़ना हूँ चेक कर रहे हैं जी बिजली क्योंकि बिजली साढ़े लिए आ गई है या नहीं क्योंकि काफ़ी देर दी बिजली गई हुई तो हूँ मैं जड़ना हम बिजली आ चुकी ने तो मेरी बार जड़ना बिजली आ चुकी है तो गांव जड़ना असी चौकर वगैरह पा दिता क्योंकि फोड़ा ही मार के आ चुके हैं तो हूँ मैं चामनी हाँ लकड़ी क्योंकि लकड़ी रख देने किचन अंदर। हाँ जी क्योंकि सुबह नाल तरेल होंदी काफ़ी धुंध होंदी है लकड़ी चा भी आओ ते आग भी जलाओ इतना किदाई दूर नहीं जावना लकड़ी भी नाल पईयां। हां जी तां भी मैं लकड़ी चायमनिया ते मेरे वर जड़ियां सी लकड़ी लईयां मोल ओ जड़ना काफी पईयां ते और दूसरियां भी खुश्क हो चुकी हैं क्योंकि नाल नाल अम्मी और दूसरियां बाली रख देन ते और जड़ना नाल नाल ए थोड़ी जे टुकड़ियां पमसण। हां जी टोक लो ते आग रही ए ज्यादा लम्मीयां ना अम्मी आग जड़ना अंदर जलाओ क्योंकि हाँ ते हुण अंदर ही जलावनी है ना शाम हो गई ना इस दी वजह मेरी बार जड़ना पहले जड़ लकड़ी मैं छेक ते रख लेनी आ उस तो बाद बग्गी देसी टोक देसे। हाँ जी ते अम्मी और छेक के रख लें जी लकड़ी क्योंकि फिर जड़ना बाद रहना टोक बस करो इतनी बहुत है मैं जड़ी बाण सकती है ना। हाँ जी मैं जड़ना लकड़ी छेक ते रख दी ते बग्गी रही टोक क्योंकि निक्की चार पाई भी बग्गी बाहर काट दी ते मैं जड़ना मैं करा लवा जी अम्मी नाल हेल्प क्योंकि छोटी छोटी जड़ना टुकड़े करने होंदे लकड़ी दे करके जेड़ा ना अम्मी दे के ते फिर अम्मी और जलाई जड़ अग क्योंकि खाना तलिया वो जेड़ा खा लिया है अंडिया तो पहले और नहीं ना खाना बनावना। हाँ जी भूख तक कोई नहीं सही है रोटी पई नहीं। हाँ जी वो खा ली सा ते रोटी जेड़ा ना पई है ते वो खा ली सा ते लकड़ी में अम्मी टोप के दे लेना क्योंकि रात नू असीं सिकंदे ना जी अग ते रात नू असीं चुपेंदे होने हैं जी गन्ने क्योंकि मेरे वीवर जो अस सुबह सुबह नाल जाने पांदे नू क्योंकि गन्ने वगैरह ला के आ जाने तो फिर चुपेने जी रात नू क्योंकि गन्ने जेड़े ना चूपने बहुत अच्छे होंदे न। लकड़ी लई जी मैं कुछ टोक ते इस वीडियो करने थाई एंड साडी वीडियो लाइक कीता करो शेयर कीता करो। सुबह नेक्स्ट वीडियो मिलसाएं। अल्लाह हाफिज़।